वाईफाई ऑप्शन निकल गया है, आप अगर सेटिंग में जाके नेटवर्क इन सिक्योरिटीज में जाके चेक करो, लेकिन आपको आपके लैपटॉप में कहीं पे भी वाईफाई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या आप किसी इंजीनियर को फोन करोगे? इंजीनियर को फोन करने के पहले एक छोटी सी हैक ट्राई करके देखिए, आपको सिर्फ आपका लैपटॉप रिस्टार्ट करना है। इस वीडियो में मैं आपको वाईफाई ऑप्शन मेरा किस तरह से डिसेबल हुआ था और उसके बाद मैंने क्या किया, इंस्टेंटली वाईफाई ऑप्शन मेरे पास आ गया, मुझे किसी को कॉल भी नहीं करना पड़ा, मुझे भी किसी इंजीनियर को फोन भी नहीं करना पड़ा। सो यहाँ पे आपको मैं मेरा लैपटॉप पे यहाँ पे वाईफाई वाला ऑप्शन देखे, मुझे एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं वाईफाई टाइप कर रही हूँ, मुझे वाईफाई का ऑप्शन ही नहीं। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी की सेटिंग में जाके भी अगर मैं आपको चेक करके बताती हूँ, ये मैंने चेक किया है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे है, वाईफाई ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। सो नाउ आई एम क्विकली रीस्टार्टिंग माई सिस्टम बिकॉज ऑटोमेटिकली विंडोज 10 में ये प्रॉब्लम आती है। सो रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करने के बाद अगर अभी आप को मैं बताती हूँ, सो देखिए वाईफाई मेरा आ गया है, यहाँ पे मैंने वापस से रीस्टार्ट किया, सो माय वाईफाई ऑप्शन इज़ अवेलेबल। सो प्लीज़ रीस्टार्ट योर सिस्टम व्हेनेवर वाईफाई ऑप्शन इज़ डिसेबल्ड फ्रॉम योर डेस्क, देयर इज़ नो नीड टू वरी।